और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बुलेटिन में। सबसे पहले बात करेंगे राजधानी भोपाल की, जहां कमलनाथ के बंगले पर डिनर खत्म हो गया। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का बयान सामने आया, कमलनाथ ने डिनर में एक साथ रहने की सीख दी है। राज्यसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई है, जल्द नाम तय होगा, ये जीतू पटवारी का बयान सामने आया। अरुण यादव, दिग्विजय सिंह, बाला बच्चन बाहर निकल चुके हैं, बैठक जो डिनर था वो खत्म हो चुका है। तो अरुण यादव ने डिनर को सौजन्य चर्चा बताई। डिनर पर उन्होंने कहा कि सौजन्य चर्चा हुई है। वहीं पूर्व मंत्री बाला बच्चन का भी बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि नेता कोई भी हो सब करीबी ही है, कल तक राज्यसभा का नाम फाइनल होगा। तो विधायकों के बाहर निकलने का सिलसिला शुरू हो गया है। उमंग सिंघार, आरिफ मसूद, तमाम विधायक इस बैठक में मौजूद थे, अब सभी बाहर निकल चुके हैं। धीरे धीरे जो है सभी विधायक बाहर निकल रहे हैं, सिलसिला बाहर निकलने का शुरू हो गया है। तो बताते चले कि डिनर डिप्लोमेसी जो चल रही थी वो खत्म हो गई है। राज्यसभा चुनाव को लेकर चर्चा इस डिनर में हुई है। और अपडेट लेंगे कमलनाथ के बंगले से, हमारे साथ संवाददाता दीपक द्विवेदी लाइव जुड़ गए हैं। दीपक, विधायक जो है शुरू हो गया है, क्या अपडेट है और कौन कौन से विधायक क्या कुछ कहना है विधायकों को? प्रशंसा, बता दूं कि राजधानी भोपाल में डिनर डिप्लोमेसी का आयोजन किया गया था और कमलनाथ के निवास पर इसका आयोजन हुआ था। इस दौरान तमाम कांग्रेस के विधायक पहुंचे थे और वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, सुरेश पचौरी, अरुण यादव, तमाम ऐसे नेता यहां पर डिनर में पहुंचे हुए थे। उसके बाद करीब डेढ़ घंटे तक डिनर चला और उस दौरान तमाम विधायकों से जो अंदर की खबर सामने आई है तो कागज पे साइन कराए गए हैं। यह बताया जा रहा है कि राज्यसभा जो चुनाव होना है सांसद का, उसको लेकर ये साइन कराए गए हैं। अब यह देखना होगा कि मध्य प्रदेश के किसका नाम सामने जाता है। जब विधायक दल कि जब विधायक बाहर निकले उस दौरान उन्होंने हालांकि इस सवाल पर चुप्पी साधी कि कौन जाएगा मध्य प्रदेश से राज्यसभा में, पर हाँ इशारा जरूर करते हुए नजर आए कि कोई बड़ा नेता ही जाएगा मध्य प्रदेश से राज्यसभा में। इसके अलावा जो अध्यक्ष हैं पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी ने साफ तौर पर सरकार की जो संकल्प थे उसको गिनाए हैं और कहा है कि हमने आने वाले समय में आगे की रणनीति को लेकर भी यहाँ पर तैयारी की गई है। और जो ऑनलाइन गेम ऐप है उसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर बीजेपी पर या सरकार पे कह सकते हैं जो आज अध्यादेश पारित हुआ है उसके ऊपर निशाना साधा है और आने वाले समय में अभिभावकों को हम जागरूक करेंगे और कृषि के क्षेत्र में किसानों को जागरूक करेंगे, इस पर भी उन्होंने कहा है रणनीति बनाई गई है। तो ये कह सकते हैं कि एक बड़ी बैठक थी और इस बैठक में अलग अलग मुद्दों पर आज रणनीति बनाई गई है और इस दौरान डिनर डिप्लोमेसी भी देखने को मिली है। करीब डेढ़ घंटे तक तमाम कांग्रेस के नेता और विधायक मौजूद रहे हैं। जी बिल्कुल, दीपक का माना यही जा रहा है कि नाम